हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अविका किचन। और आज हम बना रहे रागी की ब्राउनीज। ये इतनी डिलीशियस होती है कि आप अगर एक बार रागी की ब्राउनीज बना के देख लेंगे ना, तो कभी मैदे की ब्राउनीज बनाएंगे ही नहीं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बहुत इजी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, आपकी भी इसी तरह से डिलीशियस सी ब्राउनी बन जाएगी। तो चलिए, अब हम एक बोल में डाल रहे हैं आधे कप से थोड़ा कप दही। केक बनाते वक्त सबसे पहली बेसिक चीज़ होती है कि सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और हर इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम एक बार विस्क कर लेंगे, ताकि जब दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो तो लम्प्स फॉर्म ना हो। दही को हमने विस्क कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप ऑयल। इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप जैगरी पाउडर। आप चाहे तो गुड़ को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं रागी। यहाँ पे मैं 3/4 कप रागी यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप गेहूँ का आटा। 3/4 कप रागी, 1/4 कप गेहूँ का आटा, यानी टोटल हमारा फ्लोर कितना हुआ, 1 कप। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं हम वेनिला एसेंस। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम 1 चम्मच भर के इसमें डाल रहे हैं कोकोआ पाउडर, क्योंकि हमें चॉकलेट ब्राउनीज बनानी है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। फिर हम इसमें डालेंगे दूध और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस तरह से हम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें जितने ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे, काजू, बादाम, पिस्ता, जो डालना है डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से अखरोट काट के रखे हैं, तो वो डाल रही हूँ। आधे हम बैटर में मिक्स कर रहे हैं, आधे हम गार्निश करेंगे। और हम थोड़ी सी यहाँ पे चॉको चिप्स भी डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब लास्ट में जब हमारी बेकिंग ट्रे ग्रीस हो चुकी हो और हमारा पैन प्रीहीट हो चुका हो, या ओवन कर रहे तो ओवन प्रीहीट हो चुका हो, उसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने के बाद हमें केक को ज़्यादा घुमाना नहीं है, फटाफट से बस अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और हमारे ग्रीस किए हुए मोल्ड में उसे ट्रांसफ़र कर लेना है। ये रही हमारी बेकिंग ट्रे, और इसमें हमने पहले से ही ऑयल ग्रीस कर लिया है। ऊपर से हम वॉलनट और चॉको चिप्स गार्निश कर रहे हैं। हम हमारी ब्राउनीज को इस बड़े से पतीले में बेक करने वाले हैं। तो मैंने पतीले में मटका स्टैंड रखा हुआ है, थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। मोल्ड को हम इस तरह से प्लेस करेंगे, ऊपर से थाली से ढक देंगे और इसे 25 मिनट तक लो फ्लेम पे ही बेक होने देंगे। 20 मिनट बाद आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा टूथपिक डाल के। मेरी ब्राउनीज़ को बेक होने में एक्जैक्ट 25 मिनट लगे हैं। इस तरह से हम टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे, अगर टूथपिक क्लीन आ रही है यानी कि हमारी ब्राउनीज़ अच्छे से बेक हो चुकी है।
और ये लीजिए हमारी डिलीशियस सी नो मैदा नो शुगर रागी ब्राउनीज तैयार है। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।